यूट्यूब चैनल चलाने वाले गौरव चौधरी की नेटवर्थ 372 करोड़ रुपए है, जो कि 50 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। इनकी एक दिन की कमाई कभी कभी 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है, जबकि साल भर में 25 करोड़ रुपए टेक्निकल गुरुजी कमा लेते हैं। और इसी कमाई के चलते इन्हें फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट में अंडर 30 में जगह भी दी। अजय नागर उर्फ कैरी मिनाटी, इसकी नेटवर्थ 28 करोड़ रुपए है। 23 साल का कैरी मिनाटी साल के 3 करोड़ से ज्यादा कमाई करता है। 36 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर बन चुका है वो। भुवन बाम को रोस्ट करने वाला वीडियो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद टिकटॉक और यूट्यूब वीडियो से उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। टैक बर्नर अपने यूट्यूब चैनल से लाखों की कमाई करता है। टैक बर्नर महीने के लगभग 25 लाख की कमाई करता है। इसकी नेटवर्थ 15 करोड़ से भी ऊपर है, जिसमें हर साल 25% की बढ़ोतरी हो रही है। इसके पास अगल बगल 6 यूट्यूब चैनल है, जिन पर 100 मिलियन व्यूज हर मंथ आते हैं। इसके बाद नंबर आता है टेक्नो गैमरिस का। इनका रियल नाम उज्जवल चौरसिया, जो हर साल लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई करते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में टेक्नो गैमरिस का रात को 10 से 1 बजे के बीच में अपने भाई के मोबाइल से वीडियो बनाता था, क्योंकि इसके पास अपना मोबाइल नहीं था। अब ये हर महीने लाखों की कमाई करता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा के पास दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में अपना घर है। इस 2BHK अपार्टमेंट के लिए शर्लिन चोपड़ा को 15 करोड़ रुपए देने पड़े। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी ऊंचाई 829 मीटर यानी कि एफिल टावर से करीब 3 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, बुर्ज खलीफा में मलयालम फिल्मों के पॉपुलर एक्टर मोहनलाल का भी एक फ्लैट है। मोहनलाल ने यह घर 2011 में खरीदा था, जो कि 29वीं मंजिल पर स्थित है। शिल्पा शेट्टी को उनके पति राज कुंद्रा ने शादी के गिफ्ट के तौर पर 20 करोड़ का फ्लैट दिया था, जो बुर्ज खलीफा में था। हालांकि अब वो फ्लैट उन्होंने बेच दिया। दूसरे देशों को इंडिया 40 रुपए में पेट्रोल बेचता है, लेकिन वहीं पेट्रोल आपको 100 से भी ज्यादा की कीमत में बेचता है। दूसरे देशों को पेट्रोल बेचते वक्त इंडिया इस पर बहुत कम टैक्स लगाती है, जिस वजह से पेट्रोल का प्राइस काफी कम होता है। लेकिन अपने ही देश के लोगों को पेट्रोल बेचने के लिए इस पर लगभग 70% टैक्स लगाया जाता है, जो किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसमें फ्रेट चार्जेस, डीलर्स चार्जेस, कमीशन ऑफ डीलर्स, एक्साइज ड्यूटी और वेट को भी शामिल किया गया है। यही कारण है कि आपको 40 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए में मिलता है। इंडिया दूसरे देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और फिर उस तेल को रिफाइन करके उसमें से पेट्रोल निकालता है और फिर उसी पेट्रोल को दुनिया के देशों को बेचता है। दुनिया के 97 देशों से ज्यादा की कीमत में इंडिया पेट्रोल बेचता है। लेकिन अगर आपको दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल चाहिए, तो आपको वेनेजुएला जाना होगा, जहां आपको सिर्फ 2 रुपए पेट्रोल मिलेगा। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एडटेक कंपनी बायजूस ने 2500 ज्यादा लोगों को निकाल दिया है। 2021 में कंपनी को 1690 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए हुआ और कुल खर्च बढ़कर 2200 करोड़ रुपए पहुंच गया। एडटेक सर्विसेज की डिमांड में गिरावट आने के कारण 22 अरब डॉलर वैल्यू इस स्टार्टअप ने ये काम किया। टॉपर और व्हाइट हैट जूनियर से भी 1500 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला है और कंपनी ने 1000 कर्मचारियों को नोटिस भी भेज दिया है। ओला, ब्लिंकिट, अनअकैडमी, वेदांतु, कार24, मोबाइल प्रीमियम लीग, लीडो लर्निंग, फाराई जैसी बहुत सी कंपनियां इस साल अब तक हजारों स्टाफ को निकाल चुकी है और कंपनियां आगे भी हजारों स्टाफ को निकालने की तैयारी है। स्टार्टअप से लोगों को निकालने की बड़ी वजह ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर पैदा हुई आशंकाएं।